दोस्तों जब भी किसी को कोई एक अच्छा खासा फीचर रिच ऑलराउंडर टाइप का फ़ोन चाहिए होता है ना, वो हमेशा 20,000 के नीचे ही देखता है कि उसको एक 20,000 के नीचे एक अच्छा कैमरा सेंट्रिक गेमिंग और ऑलराउंडर फ़ोन मिल जाए। और अभी मार्केट में 20,000 के नीचे इतने अच्छे अच्छे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं ना, मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। लगभग आपका 80-90% रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है इस प्राइस रेंज का स्मार्टफोन्स। तो आइए देख लेते हैं इस प्राइस कैटेगरी में अभी कौन कौन सी फोन्स राज कर रहा है। दोस्तों पहले ही आता है रियलमी की तरफ से हमारा रियलमी X7 5G। ये फ़ोन सच में बहुत ही लाजवाब है, मैंने खुद इसको यूज़ करके देखा है। ये फ़ोन जितना हल्का है उतना ही अच्छा इसकी परफॉर्मेंस है। और 5G भी मिलती है इसमें आपको, 5G के साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंच का और उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। और कैमरा में भी 64 मेगापिक्सल का सुपर कूल एक कैमरा मिलता है जिसमें कलर भी बहुत ही अच्छी है। और इसका जो सेल्फी सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है जो भी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करता है। बैटरी थोड़ी कम है इसमें 4310 mAh का, पर कोई बात नहीं, आपको इसमें 50 वाट का चार्जर मिलता है जो बहुत ही जल्दी आपके फ़ोन को पूरा चार्ज कर देगा। बॉक्स में आपको 65 वाट मिलता है पर फोन सपोर्ट करता है 50 वाट का। प्रोसेसर भी इसमें आपको ढासू मिलता है, डायमेंसिटी 800U और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, मतलब आपका गेमिंग उतना अच्छा भी नहीं होगा लेकिन एवरेज चल जाएगा। अब अगर आपको गेमिंग के लिए ही फ़ोन चाहिए तो आप इस प्राइस कैटेगरी में दो फोन्स को देख सकते हो, जो है iQOO Z3 और poco X3 Pro। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। iQOO Z3 में आपको 6.5 इंच का IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो थोड़ा से डाउनग्रेड है क्योंकि अगर सुपर एमोलेड होता तो अच्छा होता, पर ये भी अच्छा सा ही चल जाएगा आपके लिए। वैसे तो गेमिंग फ़ोन है तो ज़्यादा सुपर एमोलेड नहीं मिलता गेमिंग में, आपको IPS LCD ही मिलता है, बाकी सब इसमें बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको पंच होल भी नहीं मिलता, उसके जगह आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है, तो वो थोड़ा सा देखने में ओल्ड लगेगा आपको। इसमें आपको फ्रंट टच OS और बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 मिलता है जो ठीक ठाक है। और इसमें आपको LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज जो बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और इसमें आपको 4400 mAh का बैटरी विथ 55 वाट फर्स्ट चार्जिंग देखने को मिलता है आपको। इसमें कैमरा में भी आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। जो कैमरा है इसमें वो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फोटोज़ दे देता है, मतलब ओवरऑल पैकेज अगर देखें तो ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ पोको X3 Pro में आपको 4G में जैसे मिलता है वैसे आपको उसके प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिलता है जो iQOO Z3 से भी बहुत ही अच्छा है, पर फ़ोन थोड़ा आपका बहुत हीवी है और इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है जिससे आपको गेमिंग के वक्त ज़्यादा हीट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको UFS 3.1 का सुपर फास्ट स्टोरेज के साथ साथ 120 हर्ट्ज़ का IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले और उसके साथ साथ 5160 mAh का बैटरी मिलता है जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और मल्टीमीडिया के लिए भी आपको इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलता है, मतलब समझे ना कितना लाउड साउंड मिलेगा आपको इसमें। और कैमरा भी इसमें डिसेंट है 48 मेगापिक्सल का। अब पोको का बड़ा भाई रेडमी को कैसे हम भूल सकते हैं, उसका भी 19,000 में एक ही फ़ोन है जैसे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। इसमें आपको 6.6 इंच का सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है जो गेमिंग के लिए और कंटेंट एक्सप्लोरिंग के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा है। 3D फ्रोस्टेड ग्लास बैक देखने को मिलता है इसमें, मतलब फ़ोन भी देखने में बहुत ही कूल लगता है। प्रोसेसर भी इसमें डिसेंट है, स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है इसमें विथ एड्रिनो 618 GPU। बड़ी बैटरी भी देखने को मिलता है इसमें आपको 5020 mAh का बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग। और इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप
19,000 में Redmi Note 10 Pro Max का 6GB 128GB का वेरिएंट ना लेकर अगर Redmi Note 10 Pro का 8GB 128GB वेरिएंट ले ले तो उसमें आपको RAM ज़्यादा मिलता है, बस कैमरा थोड़ा कम मिलता है 64 मेगापिक्सल का, पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन आपको RAM ज़्यादा मिलेगा और गेमिंग वगैरह के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों अब अगर आपको एक स्टॉक और क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके लिए पेश है मोटो G60। इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले 6.8 इंच का IPS LCD 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है और उसके साथ साथ बड़ा बैटरी 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। प्रोसेसर भी आपको इसमें तगड़ा देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 732G जो एक बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, मतलब गेमिंग भी आपको अच्छा मिल जाएगा इसमें। कैमरा भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको पीछे मिलेगा और सामने 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, मतलब पिक्चर क्वालिटी भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। और इसमें आपको NFC भी देखने को मिलता है जो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बताया, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड 11 मिलेगा देखने को, जो एकदम क्लीन एक्सपीरियंस आपको देगा। दोस्तों ये जो सारे फ़ोन्स आप देख रहे हैं ये हम सभी रिसर्च करके इसके स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे लिस्ट में एंट्री दिया है, तो इसमें अगर आपको लगता है और भी कोई फ़ोन आ सकता था तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे TV गैंग को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रो करेंगे तो सभी साथ में करेंगे, ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे। और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।